दोस्तों, मैं आज अपने यूपी 94 मसौरा गार्डन में आ चुका हूँ। मेरा नाम है अमित कुमार। मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ आज नई पेशकश, नई फ्लावर प्लांट के बारे में। नया फ्लावर प्लांट, इसका नाम है कैलेंडुला। कैलेंडुला प्लांट है, कैलेंडुला फ्लावर प्लांट है। इसमें येलो कलर, मतलब कई तीन चार वेराइटी के कलर होते हैं, तीन चार प्रकार के कलर होते हैं, जो कि मेरे पास है पीला कलर, येलो कलर है, जो कि अभी इसमें फूल आने शुरू हो चुके हैं और अभी कुछ फूल, कुछ कलियाँ निकली हैं। और इसको भी मैंने, सर्दियों वाला है, जाड़े वाला है, जाड़े में ही इसका लगना और फूलना जाड़े में ही है, और गर्मियों में इसकी मार्च अप्रैल के बाद फूल आने बंद हो जाएंगे। और ये नवंबर माह में इसके पौधे को लगाया था मैंने, क्योंकि आज देखो जाके बड़े छोटा सा पौधा था और बड़ा पौधा बन चुका है, और अभी इसमें कलियाँ निकलनी शुरू हो गई हैं और इसमें कुछ कुछ में फूल भी आना शुरू हो गए हैं, और इसमें सफ़ेद, ऑरेंज कलर और पीला कलर, ये सब तीन चार वैरायटी के कलर होते हैं। इसका नाम है देखो, कुछ सफ़ेद, थोड़ा हल्का पीला, हल्का सफ़ेद सा ये है। इसमें कुछ कुछ अलग अलग आते हैं कलर। तो एक कैलेंडुला फ्लावर प्लांट है, क्योंकि आप भी अपने घर की बागवानी में इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसे लगा सकते हैं और अपनी बागवानी की सुंदरता ला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं सुंदरता। अगर घर में बागवानी, आपके पास गार्डन नहीं है, तो आप गमले रख सकते हैं, गमले में इस पौधे को लगा सकते हैं। पौधे को लगाने के साथ साथ एक चीज़ का हमेशा याद रखना कि कोई केमिकल बाजार वाली खाद का प्रयोग नहीं करना है। देसी गोबर खाद और देसी मिट्टी का प्रयोग करके उस पौधे को लगा सकते हैं। और इसके अलावा रेगुलर सर्दी के हिसाब से रोजाना पानी नहीं सिंचित डालना है, ज़्यादा मात्रा में पानी भी नहीं देना है। जैसी जैसी धूप बढ़ेगी, गर्मी आएगी, उस हिसाब से सुबह शाम पानी देना है। अच्छा जी, हो गई।